दोस्तों, ईशा मालविया के साथ यानी उसके जो बॉयफ्रेंड है यानी करंट वाले बॉयफ्रेंड है, उन्होंने ले लिया है अब सबसे बड़ा बदला। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर ईशा मालविया ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी अभिषेक कुमार के सामने जाकर भीख मांगी, और भीख मांगते हुए ये कहा अभिषेक कुमार के सामने ईशा मालविया ने कि अभिषेक, अब घर के अंदर जो टिकट टू फिनाले टास्क होने जा रहा है वो बहुत ही हार्ड टास्क होता है, और उस टास्क में यहाँ पर सारे के सारे कंटेस्टेंट दूसरे को टॉर्चर करते हैं, तो प्लीज़ अभिषेक, मैं दूसरी टीम में हूं और तू दूसरी टीम में है, तो मेरे साथ प्लीज तू अच्छी तरह से बिहेव करना, और मेरे ऊपर ना तो तू कोई मिर्ची डालना और ना ही मेरे ऊपर कोई शैम्पू डालना, ताकि मेरे बाल यहां पर साथ साथ मेरा फेस खराब ना हो जाए। लेकिन आगे से यहां पर आपको बता दें कि अभिषेक कुमार ने जो ईशा मालवीय को जवाब दिया है, उस जवाब को सुनकर शायद आप सब बेहद शौक हो जाएंगे, आप सबको लग जाएगा 440 वोट का झटका। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या किया है अभिषेक कुमार ने, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, बिग बॉस 17 से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और नई से नई और बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले अब यहाँ पर 28 जनवरी को होने वाला है। 28 जनवरी को इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर कौन होगा बिग बॉस 17 का असली विनर। इसीलिए आपको बता दें कि घर में अब यहाँ पर टिकट टू फिनाले टास्क भी शुरू हो चुके हैं, और इस टिकट टू फिनाले टास्क के दौरान जब टॉर्चर वाला टास्क शुरू हुआ, तो यहाँ पर अभिषेक कुमार ने सामने ही सामने सभी कंटेस्टेंट के सामने पलटवार करते हुए ईशा मालवीय को ये कहा कि तू मेरे आगे हाथ मत जोड़, तेरे साथ तो मैं कुछ ऐसा करूंगा शायद जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर अभिषेक कुमार के सामने ईशा मालवीय अपने हाथ जोड़ती रही, लेकिन पूरा का पूरा बदला ले लिया अभिषेक कुमार ने। ये कहा कि तूने मुझे बहुत रुलाया है, अब मेरी बारी है, मैं तुझे दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है असली यहाँ पर टास्क। तो आपको बता दें कि जब टॉर्चर वाला टास्क हुआ, तो कहा जा रहा है कि अभिषेक कुमार ने पूरा पूरा बदला लिया है ईशा मालवीय के साथ, और उसे उसकी नानी याद दिला दी है। फिलहाल इस खबर में इतने वाले क्या कहना चाहेंगे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।